की रिलायंस जूट मिल में थाई कार्य स्थगन की नोटिस लगा दी गई है, जिसके बाद से ही श्रमिकों में काफी रोष देखा जा रहा है। यह कार्य स्थगन की नोटिस में लिखा गया है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल की कमी यानी कच्चा जो जूट है वो खरीदने में असमर्थ है मैनेजमेंट, इस कारण मिल चलाने में लॉस है और इस लॉस के कारण जो है फिलहाल अस्थायी कार्य स्थगन कर दी गई है। लेकिन उन श्रमिकों का कहना है कि कल 26 जनवरी की छुट्टी के दिन शाम को किसी समय यह नोटिस लगाई गई, जब उनको किसी तरह का अंदेशा नहीं था कि छुट्टी में ऐसा कुछ हो सकता है। और आज जब श्रमिक काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिल का गेट बंद है और यहां पर पहले उन्हें बोला गया कि आज मिल नहीं चल रही है, आज से ही कार्य स्थगन लागू कर दिया गया, जिसके बाद से इन श्रमिकों में रोष देखा गया। उन्होंने काकीनाडा स्टेशन पर जाकर अवरोध किया और लगभग 40 मिनट तक अवरोध करने के बाद उन्हें लाठीचार्ज कर हटा दिया गया। हालांकि यहां पर आज थर्सडे है, आज जो है यहां पर म्यूनिसिपल की ओर से बंद रखा गया है। बावजूद इसके इस पूरे इन्वायरमेंट में यहां पर जो परिसर है, जो आपका रिलायंस जूट मिल का जो इलाका है, यहाँ पर जूट मिल के जो कच्चा लाइन है वहाँ पर काफी अफरा तफरी देखी जा रही है। श्रमिकों में रोष है, वो जगह जगह पर रोष दिखा रहे हैं। खाना हम लोग का कंपनी बंद कर देता है, बंद करने के बाद 13 तल्ला में फैसला करता है कि 4 महीना में बीटीओटी पीएफ दे देंगे। अभी 7, 8, 9 बीटीओटी बाकी है, फिर वहाँ का 19 का आदमी का बीटीओटी बाकी है, 4 हुआ, फिर 20 का आदमी का कागज नहीं दिया, ना बीटीओटी ना पीएफ, फिर 21 का भी गिरचोटी दिए, टोटल अभी 1000 आदमी का गिरचोटी नहीं दिया, अब पीएफ का भी 2 पैसा नहीं दिया। 13 तल्ला में वहाँ पर फैसला कर लेता है कि हम 2 महीने में चलाने के बाद दे देंगे, 4 महीने चलाने के बाद दे देंगे। सिक्योरिटी लोग को पूरा भर पेट पैसा दे रहा, खाली बोल रहा सिक्योरिटी लोग को कि इन लोगों के लिए हमने कहा नहीं किया, कहा नहीं दिया, खाली सिक्योरिटी को पैसा देता है, बैठा कर देता है। अब मजदूर खट रहा, जो रिटायर हो गया उसको पैसा नहीं देता टाइम पर। पार्ट नहीं आने के कारण कंपनी जो है बंद कर दिया है, बोल रहा है कि पार्ट नहीं मिल रहा है, पार्ट आने के कारण